ठीक है और उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों होंगे अगर लेट से उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते तो ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल काम था फिर तो हमको जो हमारा गिवन एरे है उसके सारे नंबर्स को स्क्वायर कर देना है ठीक है वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में तो होंगे ही होंगे राइट right? बट क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा सो आई होप प्रॉब्लम इज क्लियर तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सोच लो एंड फिर उसके बाद हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करते हैं ठीक है एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ओ तो ओ में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए ठीक है चलो अभी डिस्कस करते हैं सो वॉट इज गोइंग टू बी द विदाइव सोल्यूशन सो अ अव सोल्यूशन वुड भी कि हम लोग सारे एलिमेंट्स को पहले स्क्वायर कर दें दैट इज थर्टी सिक्स नाइन वन फोर सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव और फिर ये जो छः एलिमेंट्स है इनको सॉर्ट कर दें ठीक है बट हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम में एन लॉग एन लगता है राइट ओ एन लॉग एन लगता है ठीक है तो हम लोग ये तो नहीं कर सकते बिकॉज हमें ओ एन में करना ही वाला काम चलो ठीक है सो द एल्गोरिथम वी विल बी यूजिंग इज़ कि हम लोग इसकी पहले पार्टीशनिंग कर देंगे ठीक है नेगेटिव नंबर्स को अलग और पॉजिटिव नंबर्स को अलग ठीक है तो लेट्स से एक आई शुरू कर लेंगे यहाँ से और एक जे शुरू कर लेंगे यहाँ से तो आई हमारा पीछे की तरफ जाएगा और जे हमारा आगे की तरफ जाएगा ठीक है बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की बात करता हूँ तो जे के राइट right में जैसे मैं जा रहा हूँ तो बढ़ती जा रही है सिमिलरली आई के लेफ्ट में जा रहा हूँ वो भी बढ़ती जा रही है राइट तो बेसिकली अब करना क्या है आई और जे पे जो भी वैल्यूज रखी हैं इनकी जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कम है उसको उठाना है पहले ठीक है जैसे माइनस वन और टू एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी कम है माइनस वन की कम है सो so ऑब्वियसली अब माइनस वन का स्क्वायर वन पहले हम लोग अपने नए एरे में डाल देंगे एक नया खाली एरे ले, ले लेंगे और उसको पॉपुलेट करते रहेंगे राइट right? चलो ठीक है अब ये यूज हो गया तो अब आई को आगे बढ़ा देंगे अब फिर से आई और जे में से देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी कम है इसकी कम है तो इसका स्क्वायर फोर और जे हमारा आगे बढ़ जाएगा अब फिर से आई और जे को कंपेयर करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी कम है तो ऑब्वियसली आई आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे हम लोग नाइन डाल देंगे नाउ जे आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे सिक्सटीन लग जाएगा अगली बार में जे हमारा खत्म हो जाएगा दैट इज़ ट्वेंटी फाइव यहाँ पर आ जाएगा एंड जो एक बचेगा यहाँ से आई उसका थर्टी सिक्स हम लोग डाल देंगे ठीक है तो दिस इज गोइंग टू बी आर आउटपुट राइट सो आई होप दिस इज़ क्लियर बेसिकली हमारा ये प्रॉब्लम क्या बन गई हम करते थे ना कि दो सॉर्टेड एरेज को मर्ज करना है तो वही प्रॉब्लम थी ये मान लो कि ये इस तरफ सॉर्टेड एरे है ये इस तरफ सॉर्टेड एरे है ठीक है मतलब बेसिकली उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं वो सॉर्टेड है ठीक है तो अब जो सॉर्टेड एरेज को हमको मर्ज करना था और उसकी जो स्क्वायर कर करके वैल्यू हमको नए एरे में डालते जाना था दिस वॉज द प्रोसेस तो इतना सा काम करना है तो जल्दी से इसका कोड देख लेते हैं सो दिस इज द कोड ओवर हेयर इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्टैंडर्ड और ये हमारा फंक्शन होगा ठीक है यहाँ तक और उसके बाद हमारा मेन फंक्शन होगा चलो देखते हैं हम कैसे करेंगे तो इतना काम हम लोग कर रहे हैं पार्टीशन करने के लिए ठीक है कि जब तक हमारे एरे के एलिमेंट्स लेस देन जीरो हैं तब तक आगे बढ़ते रहो ठीक है अब जब ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा तो हमारा आय यहाँ पे आ चुका होगा ठीक है फिर हम क्या करेंगे एक जे ले, ले लेंगे और जे को आई के बराबर रख देंगे जे यहाँ पे आ जाएगा और आई को माइनस माइनस कर देंगे ताकि आई यहाँ पे आ जाए ठीक है तो ये यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग लिख देंगे ठीक है उसके बाद हमने एक नया एरे ले लिया सेम साइज़ का और इंट के इजिकल टू जीरो एक के वेरिएबल रख लेंगे आउटपुट के करंट इंडेक्स के लिए ठीक है चलो फिर यहाँ पे हम लोग हमारे एरे को मर्ज करके आउटपुट में डाल रहे हैं राइट अब जब ये वाला वाइल लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद अब हो सकता है कि जो आई है उसके एलिमेंट्स पूरे ना हुए हों या फिर जे के एलिमेंट्स पूरे नहीं होंगे एक बाकी रह जाएगा राइट तो अगर आई के पूरे नहीं हुए हैं तो जो भी एलिमेंट्स बचे हैं उसको आउटपुट में डालते जाओ स्क्वायर कर करके अगर जे वाले अभी पूरे नहीं हुए हैं तो वो एलिमेंट्स डाल दो स्क्वायर करके राइट और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा पूरा आउटपुट एरे पॉपुलेट हो जाएगा ठीक है फिर एक लास्ट स्टेप है कि हमने वो सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए दैट्स इट ठीक है चलो तो एक बार चला के देख लेते हैं सेम इनपुट मैंने लिए राइट सो लेट्स ट्राई टू रन दिस सो वी आर गेटिंग वन फोर नाइन सिक्सटीन एक्सपेक्टेड आउटपुट ओके सो आई होप की प्रॉब्लम समझ में आ गई है एक बार खुद से कोड करके देख लेना एंड थिंग्स वुड बी मच मोर क्लियर ओके सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू